गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैम गुड आफ्टरनून. हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन. हाउ अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन. टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइजेस ऑफ वोकैबुलरी जंक्शन. ओके. लास्ट टाइम में वोकैबुलरी जंक्शन पढ़ रहे थे ना? यस मैम. तो उसी से एक्सरसाइजेस बच्चे हुई थी, आज कंप्लीट करेंगे. ओके. अच्छा, सभी को पोयम लर्न हुआ कि नहीं? अभी सभी को लर्न हो गया है. ओके. तो भी आप लोग सुनाना. ओके. यस मैम. बेटा सभी को बुक दिख रहा है स्क्रीन पर? यस मैम. यस मैम. ओके. क्वेश्चन आ रहा है. बेटा किस क्लास से इतनी आवाज आ रही है? बेटा सब म्यूट कर लो अपने आप को. अगर आपको बोलना होगा तो आप माइक ऑन करके बोलना. ओके. सब लोग म्यूट होइए. Yes, बहुत आवाज आ रही है किसी के यहाँ से. ओके. चलिए सब रीड करिए बेटा. क्या राइट है जिस तरफ? बेटा अभी किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? Add or subtract letter to make homophones of these words. Add or subtract. Add means जोड़ना. Okay, जोड़ना है. Subtract means घटाना. Okay, तो आपको letters को add करना है या घटाना है to make homophones. Homophones बनाने के लिए आप दीज वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स राइट हैं, उस वर्ड का होमोफोन्स बनाने के लिए आपको लेटर्स को या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है. ओके. तो होमोफोन्स मींस क्या होता है? यस मैम. हमारे मित्र अनन्या. बेटा होमोफोन्स मींस क्या होता है? जिसकी ध्वनि एक जैसी हो. यस, समान ध्वनि वाले शब्द. ओके. समान ध्वनि वाले शब्द को हम होमोफोन्स बोलते हैं. Write each pair of words in the correct box. सभी words के आपको उसके जोड़े बनाने हैं. जहाँ पे homophones word है उसी का एक जोड़ा आपको और बनाना है. Then use the correct words from the pair of complete the sentences. Then use the correct word. उसके बाद से correct word का use करके from the pair, उस pair में से correct word को use करना है to complete these sentences. उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. वन हैज बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए किया गया है. सब करना. अरे कौन बात कर रहा है इतना? म्यूट करिए अपने आपको जहां से इतनी आवाज आ रही है. महिमा वारी. मतलब बहुत आवाज आ रही है आपके यहाँ से. म्यूट करिए. ओके. एम में राइट है W O U L D. क्या होगा? Wood. Wood. Okay. तो इसमें आपको माइनस करना है. क्या माइनस करना है? U L. L. Okay. U L को माइनस कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, फिर उसमें उसके स्थान पे O ऐड कर देंगे. O को ऐड कर देंगे. U L माइनस करके O ऐड कर देंगे. तो क्या बन गया यहाँ पर? Wood. ओके. उड उड दोनों का ध्वनि समान है. ओके. दोनों होमोफोन्स हैं. तो यहाँ पे इसको यू एल को माइनस करके ओ ऐड करके यहाँ पे उड बना दिया गया. तो यहाँ पे सेंटेंस राइट है. आई वुड
लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. यहाँ पहला उड है उसी का वाक सेंटेंस बनाया गया है. ओके आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास वाटर प्लीज. मुझे मतलब कृपया मुझे एक ग्लास वाटर चाहिए. ओके आगे देखिए बी में आपको उसको खुद से करना है. यहाँ पे फ्लावर फ्लावर राइट है ना गरिमा? Yes, ma'am. तो फ्लावर में माइनस क्या करना है? W E माइनस करके ऐड क्या करना है? U. तो क्या बनेगा इसका? फ्लोर. स्पेलिंग क्या होगी? F L O U R. यहाँ पे W E को हटा देना है. F L O U R राइट है लास्ट में. U R. यस F L O U R फ्लोर. क्या राइट करोगे आप लोग? फ्लोर. स्पेलिंग फ्लोर. F L O U R. ओके F L O U R फ्लोर. फ्लोर मीन्स क्या होता है आंचल? द फ्लोर मीन्स क्या होता है आंचल? क्या फ्लोर मीन्स क्या होता है? F L O U R फ्लोर हम पूछ रहे हैं. आटा. यस तो वी नीड टू कप ऑफ यहाँ क्या राइट करेंगे आप? फ्लोर. एल ओ यू आर फ्लोर. यहाँ भी फ्लोर फिर यहाँ भी फ्लोर आपको राइट करना है. फॉर द केक मिक्स. केक में मिक्स करने के लिए हमें दो कप फ्लोर की आवश्यकता है, दो कप आटे की आवश्यकता है. ओके जब भी सामने देखिए तो यहाँ पे आप फ्लोर राइट करोगे फिर यहाँ भी फ्लोर राइट करोगे. ठीक है आगे देखिए H A I R हेयर. इसमें आपको I R माइनस करके E R राइट कर देना है. तो इसका क्या बनेगा? हेयरी. हेयर. हेयर नहीं हेयर होगा. ओके H A I R हेयर होता है फिर H A R E हेयर इसको भी बोलते हैं. दोनों में स्पेलिंग में डिफरेंस है, मीनिंग भी अलग है लेकिन दोनों का उच्चारण सेम है. हेयर हेयर. तो एच ए आई आर हेयर मीन्स होता है बाल और एच ए आर ई हेयर मीन्स खरगोश होता है, जंगली खरगोश होता है. ओके यस मैम. हम वाइल्ड खरगोश को हेयर बोलते हैं. तो यहाँ पे आप राइट करना एच ए आर ई हेयर फिर उसका सेंटेंस बनाना आई लाइक द स्टोरी ऑफ टर्टाइज एंड द हेयर. ओके आगे देखिए ब्लू. तो ध्यान से देखो रॉन्ग मत करना. ओके ब्लू वी एल ई डब्ल्यू ब्लू. यहाँ पे ई डब्ल्यू को हटा के यू ई राइट करना है तो क्या बनेगा? ब्लू. ब्लू ब्लू मीन्स नीला. नीला एल ई डब्ल्यू ब्लू. यहाँ पे होगा बी एल यू ई ब्लू. क्या होगा? बी एल ई ब्लू. ओके तो यहाँ पे होगा नेहा रोल ब्लू ड्रेस. नेहा ने ब्लू ड्रेस पहना. रोल मीन्स पहना. यहाँ पे ब्लू राइट करना. ओके आगे देखिए ई में बी ओ ए आर डी. क्या होगा? बोर्ड. बोर्ड. इसमें आपको ए आर माइनस करना है और राइट करना है आर ई. तो इसका क्या बनेगा? बोर्ड. दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन मीन्स अलग होगा. इस जो आप राइट करोगे आप बी ओ आर ई डी बोर्ड. बोर्ड मीन्स होता है क्या बता दो ऋषभ? बोलिए जल्दी. बोर्ड मीन्स क्या होता है? बोर्ड. कूपना. ओके बोर होना बोलते नहीं बोर हो गए हो ऊब गए हो काम करते करते. बोर मीन्स उबना. तो यहाँ पे राइट करना है
अंकुश वाज फीलिंग बोर्ड, अंकुश जो है महसूस कर रहा है बोरिंग महसूस कर रहा है, ओके से बोर हो रहा है, वो बेटर बोर हो रहा है, बोरिंग महसूस कर रहा है। यहाँ पर राइट करोगे आप बी ओ आर ई डी, ओके मैम। फिर देखिए बट बी आई आर टी एच बट, इसमें आपको आई माइनस करके ई राइट करना है तो क्या हो जाएगा but. इसका एक बर्थ होगा बी आई ई टी एच बट, ओके बर्थ मिस होता है आपका शयन कक्ष। ग्रैंडपा वांटेड टू लोअर बट इन द ट्रेन, जो ट्रेन में होता है सोने के लिए जगह होती है, नीचे का पार्ट है वहां पे सोना चाहते हैं, ओके सब राइट करना आप वी आई आर ई एच ई टी एच बी आई आई को लिखना बी ई आर टी एच बी ई आर टी एच जी भी देखिए क्या राइट है। I'm here. Yeah. इसका क्या होगा यहाँ पे एच ई माइनस करके ए राइट करना है तो क्या बनेगा, मेरा कौन बात कर रहा है इतना एयर, देयर वाज नो एयर इन द बैलून, ओके आगे देखिए ये क्या राइट है आई एल माइनस करके एल ई राइट करना है तो क्या बनेगा टेल, टी ए आई एल टेल मिस क्या होता है रखो बात कर रहा इतना मैम पूछ तो जो हम राइट करेंगे वो कौन सा टेल बनेगा टी ए एल ई टेल मिस क्या होगा कहना बोलिए टी ए एल टेनिस कहानी होता है ओके क्या होता है कहानी टी ए एल टेनिस कहानी टी ए आई एल टेनिस पूछ क्या पे राइट है द स्क्वायर है जा उसी कौन सा टेल राइट करेंगे टी ए आई एल टी ए एल टेन T A L E tail. Yes, T A L E. No. आप उसे उसके राइट करो जो यहाँ पे फिल करोगे भी राइट करना, ऐसा नहीं यहाँ पे देखो चेंज है, ध्यान से देखो यहाँ पे चेंज है, मीनिंग कि आप जो यहाँ पे बॉक्स में राइट कर आपको वही राइट करना है, यहाँ पे चेंजिंग कुछ की गई है, यहाँ पे यही टेल राइट करेंगे ओके। यहाँ पे आप बनाओगे टेल राइट करोगे टी ए एल ई टेल, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस से आप ये टेल राइट करोगे पूछ ओके। यस मैम। ओके महिमा बारी, महिमा आवाज जा रही बेटा, बेटा आप ऐसे पढ़ने बैठे हो, नहीं कुछ पहन के आई ऊपर से पढ़ने बैठी है, आप स्कूल में आते हो वैसे पहन के आइए अच्छे से कपड़े ओके बेटा किसके यहाँ से नहीं आप बच्चे की बोलने की आवाज आ रही है आगे देखिए सन, सन में क्या माइनस करना है यू यू राइट क्या करना है ओ क्या बनेगा एस ओ एल सन O. O. तो S O N sun. S U N sun means? सूरज. S O N sun means? बेटा. मैं बेटे हूँ. बेटा. तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे sun write करोगे S O N sun. लेकिन आपको sentence से ये वाला sun write करना आगे वाला. The sun gives us heat and light. Okay? आपको S U N sun राइट करना, S O N sun मत राइट कर देना, कौन सा sun राइट करोगे
S-U-N-S-U-N. Okay, son. मैम देखिए जे में, जे में क्या लिखा है? रोज. रोज. तो यहाँ पे डब्ल्यू एस माइनस करके एस ई लिखना है तो क्या बनेगा? रोज. ये भी रोज है, वो भी रोज होगा. रोज मीन्स होता है पंक्ति. ओके, रोज मीन्स पंक्ति. और आर ओ एस ई रोज मीन्स होगा गुलाब. गुलाब. कौन से रोज का सेंटेंस में प्रयोग करना है? तो देयर आर सेवन रोज ऑफ पॉट्स इन द गार्डन. ओके, आगे देखिए. फाइंड टू होमोपोन्स फ्रॉम द पोएम एंड मेक सेंटेंसेस विद देम. फाइंड टू होमोपोन्स है, आपको पोएम से दो होमोपोन्स ढूंढना है एंड मेक सेंटेंसेस विद देम और उनका सेंटेंस बनाना है. ओके, आपको इसको नोटबुक में राइट करना है. इसे यहाँ पे आपको हिंट्स के लिए दिया हुआ है, इट साउंड लाइक टेल. आपको ऐसा वर्ड राइट करना है जिसका साउंड जो है टेल से हो रहा हो. टी ए एल ई, टेल मीन्स कहानी और टेल मीन्स पूंछ. स्पेलिंग अलग है ना कि वही स्पेलिंग है? अलग स्पेलिंग. तो टी ए आई एल, टेल. तो दोनों टेल का आप वो आप बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे. टी इस टेल का भी और जो आप टेल लाइट करोगे उस टेल का भी. ओके, अगर देखिए यहाँ पे है इट साउंड लाइक एट. ए टी ई एट. ए टी एट. ओके, तो आप इसका भी वाक सेंटेंस बनाओगे और ए टी एट का भी सेंटेंस बनाओगे. ओके, कहाँ बनाना है? नोटबुक में राइट करना है. आप यहाँ पे राइट कर देना, पहले जो वर्ड आप राइट को करना है आपको होम पॉइंट यहाँ पे राइट कर देना, उसका सेंटेंस आप बना देना नोटबुक में. चलिए बुक से थोड़ा सा अब देख लो कि पोएम सुनते हैं. सबको दिखाई दे सभी को ना? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यहाँ देखो यहाँ पे करना है. ये आप लोग किए थे ना उस दिन, ये हो गया था ना? यस मैम. ओके, हमको इसको कंप्लीट करना है. सेकंड, इन दीज सेंटेंसेस लुक एट द वर्ड्स इन बोल्ड. जो बोल्ड सेंटेंस, जो सेंटेंस में जो बोल्ड वर्ड दिए गए हैं उसको देखो. फाइंड देयर होमोपोन्स पेयर्स, उसका होमोपोन्स ढूंढना है, उसका जोड़ा ढूंढना है. एंड मेक सेंटेंसेस, और उसका सेंटेंस बनाना है विद देम. जो होमोपोन्स आप ढूंढोगे उसका सेंटेंस बनाना है. व्हाट हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है. तो यहाँ पे है, डिड यू राइट द एसे आई आस्क्ड यू टू, इज दिस द राइट आंसर. यहाँ पे डब्ल्यू आर आई टी राइट मीन्स लिखना और आर आई जी एस टी राइट मीन्स क्या होगा? सही. सही. दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन दोनों की स्पेलिंग भी अलग है और दोनों का मीन्स भी अलग है. डब्ल्यू आर आई टी राइट मीन्स लिखना, आर आई जी एस टी राइट मीन्स सही. जैसे आपको इसको करना है, आर यू गोइंग टू द मार्केट, आर यू गोइंग टू द मार्केट. अब यहाँ पे टू का आपको होमोपोन्स ढूंढना है तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? बोले बेटा क्या राइट करेंगे? टी डब्ल्यू ओ टू. टी डब्ल्यू ओ टू भी कर सकते हो, टी डब्ल्यू ओ टू भी कर सकते हो. तो आप यहाँ पे अगर टी डब्ल्यू ओ टू करना तो इसका सेंटेंस बनाना. सेंटेंस क्या बनेगा बोलिए अनन्या? सेंटेंस क्या बनाओगे? टू राइट करोगे आप टी डब्ल्यू ओ टू, तो उसका सेंटेंस क्या बनाओगे? मैम आई, मैम यस
आचल मैम आई हैव टू टेल आई हैव यस ये दिव्यांशी आ बता बेटा दिव्यांशी आई हैव टू पेंसिल्स आई हैव टू पेंसिल्स यस अनन्या बताइए बेटा आई हैव टू डॉल आई हैव टू डॉल मैम बताए यस बोलिए बेटा लासी आई एम गोइंग टू मार्केट आई सेल टू मैंगोज ओके यस सोनाक्षी आप बताइए मैम आई हैव टू इरेजर ओके रवि आप बताइए बेटा रवि मैम आई एम गो टू स्कूल I am going to school. Okay, okay. इस टू का नहीं करना ये टू पहले से किया गया आपको जो हम कौन सा बनाओगे उस टू का करना या तो आप TOO2 बनाओ या आप TOO2 राइट करो इसका सेम हो कौन सा आपको ढूंढना है यहाँ पे टू तो इसका तो किया गया आपको इसका नहीं करना है जो आप यहाँ पे राइट करोगे उसका करना है ओके ये टू तो पहले से राइट है इसको नहीं करना है इसका हो कौन सा आपको राइट करना है सलोनी आप बताइए सलोनी माइक ऑन करके बोलिए आवाज नहीं आ रही है आई हैव टू ब्यूटीफुल डॉल आई हैव टू ब्यूटीफुल डॉल ओके यस और महिमा बताइए बेटा महिमा आई हैव अ प्रीटी डॉग यस ओके यस मोहित आप बताइए बेटा मोहित ओके अब यहाँ पे देखिए सी में ही ओन द मैच ही ओन द मैच अब यहाँ पे ओन का होमोस ढूंढिए क्या होगा spelling O-W-N-O-N okay O-W-N-O-N means khud ka okay to iska sandesh kya banaoge O-W-N-O-N means hota hai kya I own side jeetna na aur O-W-N-O-N means hota hai khud ka अपना तो आपको बनाना है ओ डब्ल्यू एन ओन का तो क्या बनाओगे माई ओन साइकिल आई हैव ओन साइकिल ओके मेरी खुद की साइकिल है आप राइट कर सकती हो आई हैव ओन हाउस हमारा खुद का घर है और तो ऐसे आपको सेंटेंस बना के राइट करना है Make sure you do not waste food. यहाँ पे waste है W A S T waste means क्या होगा व्यर्थ ओके okay. इसका हम पॉन्स क्या बनेगा मैम बेस्ट स्पेलिंग मैम मैम B-E-S-T मीन्स क्या होगा क्या बता रहे हो बोलिए बेटा यस दिव्यांशी मैम अच्छा क्या मैम अच्छा आवाज नहीं आ रही क्लियर आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे डब्ल्यू ए एस टी वेस्ट अच्छा ओके स्पेलिंग बोलिए डब्ल्यू एस वेस्ट का वेस्ट ओके आप यहाँ पे वेस्ट टाइप कर सकते हो डब्ल्यू ए आई एस टी वेस्ट वेस्ट मीन्स कमर डब्ल्यू ए आई एस टी वेस्ट ओके
यस मैम। यस मैम। आगे देखिए, मंजू आस्क्ड हर सन टू बी केयरफुल। यहाँ पे एस ओ एन सन है, तुम्हें कौन सा सन राइट करना है? एस यू एस यू एन एम एस यू एन सन। एस ओ एन सन मीन्स सूरज, एस नहीं एस ओ एन सन मीन्स बेटा, एस यू एन सन मीन्स सूरज। तो आपको यहाँ पे एस यू एन सन राइट करना है। उसी का सेंटेंस भी बनाना है आपको। सेंटेंस क्या बनाओगे बोले बेटा? सेंटेंस क्या बनाओगे आप सन का? एस यू एन सन का। द सन इज वेरी हॉट। द सन इज वेरी हॉट। ओके, और कौन है बेटा ये? मैम द सन वाज वेरी ब्राइट। मैम सन ये सलोनी आप बेटा, सलोनी जयसवाल। हाँ बताइए बेटा। मैम बताएं। यस मैम। मैम द सन वाज वेरी ब्राइट। द सन वाज वेरी ब्राइट। ओके, सूरज वो चमकीला था। आप इस भी कर सकते हो ना, चमकीला है। ओके आप इस राइट करना। ओके वाज मत करना। आगे और बताइए कोई। गरिमा गरिमा बताए। हाँ नहीं बेटा, कौन बताइए? आचल मैम। राशि। हाँ बोलिए राशि बेटा। यस राशि। Sun is very big. Very big. The sun is very big. और yes ma'am. रिशभ आप बताइए। रिशभ रिशभ मैम हम बताएं। यस सलोनी। The sun gives us heat and light. ओके, द सन गिव अस हीट एंड लाइट। वेरी गुड। और जरा इसको किसने नहीं बताया कि सन कहाँ से उगता है, किस डायरेक्शन से उगता है? बोले बेटा आप इसको सेंटर में राइट कर सकते हो ना कि सन किस डायरेक्शन से निकलता है, कहाँ पे उगता है? अनन्या The sun is light in the morning. Morning नहीं, direction पूछ रहा है। Direction किस direction में? क्या बेटा? Sun जो किस direction में निकलता है? East या west? East. तो the sun is light in the east. Okay? आगे देखिए, John. Is down with flu. Johan is down with flu. यहाँ पे flu means होगा जैसे आपका ये जुकाम होता है उसी तरह से flu भी होता है। ओके, तो यहाँ पे flu का मोपोस क्या बनेगा? Flu F L E W flu. Flu means उड़ा। क्या होगा फ्लू मीन्स? फ्लाइंग उड़ना। फ्लू मीन्स उड़ा। तो आपको यहाँ पे इसका सेंटेंस बनाना है। द बर्ड इज फ्लू अवे। जो बर्ड है दूर उड़ गई। द बर्ड इज फ्लू अवे। ओके, आपको इसको कंप्लीट करना है। आपको इसको आज नहीं करना है, या आपके कल का वर्क आपके लिए इसको कल करना। आज आपको ये करना है जो भी पढ़ रहे थे इससे पहले। जिससे पहले पढ़ रहे थे आप लोग उसको कंप्लीट करना है आज। मैम 2.3 वाला। ये वाला। ओके, आप सभी को ये कंप्लीट करना है। आप सभी को
होमो सभी को सेंड करना है। गरिमा बेटा आप भी होमो सही सेंड करते हो? गरिमा कभी कभी करते हो क्यों? डेली नहीं करते हो? आपको डेली होमवर्क सेंड करना चाहिए ना। सलोनी आप भी सबमिट किया करो डेली। ओके कार्तिकेय आप कभी नहीं करते हो बेटा, होमवर्क करना चाहिए तो आप सभी को करना है। ओके यस सर। ओके स्टूडेंट्स दिस इज एंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। If you have any problem from this topic, you can ask me. No ma'am. No ma'am. Okay, आपका vocabulary part जो है खत्म हुआ यहीं पे। अब इस सत्र में हम पढ़ेंगे phonic junction. अभी नहीं खत्म हुआ। Phonic junction पढ़ेंगे next सत्र में। Okay? And phonic junction? Yes. Yes ma'am. अब आप सभी को poem सुनाना है। सबको सुनाना है एट एट लाइन। हमको क्या से हटा रहे हैं? आप सभी को पोएम सुनाना है। ओके मैम तू पोएट्री कल पढ़ाएंगी आप? मैम कौन सा पोएम? चैप्टर सेकंड का पोएम। ओके मैम एट लाइन। हाँ एट लाइन सभी को सुनाना है। चलिए सुनाइए पहले कार्तिकी। कार्तिकी अपना पोयम सुनाइए। पोयम क्या सुनाइए तनीश? पोएम। आई हैव अ लिटिल फ्रेंड एंड द डॉग सेल ग्रो सील ब्राउन। सील ब्राउन सील ब्राउन सील ब्राउन फ्रॉम सील ब्राउन फ्रॉम कैल ये समझे बेटा सुनाइए अनन्या। बेटा आप लर्न कर लेना कनीश कार्तिके आप दोनों को नहीं लर्न है। क्या सुना है अनन्या? आई हैव अ लिटिल विंडर डॉग। आई हैव अ लिटिल विंडर डॉग टेल ब्राउन फ्रॉम हेड टू टेल। आई गेस हिज नेम शैडोल बट आई जस्ट कॉल हिम टैग। ही इज अबाउट ओनली 8 मंथ ओल्ड। I guess he is a pup. Daddy say he owns the larger when he all grown up. Yes sir. Rasi aap sunaiye beta. Rasi. Yes ma'am. Sunaiye beta aap. I have a little pretty dog. See brown head to tail. I guess his name is Tador but I call him Ted. He only about 8 months old. Daddy, he just like a pup. Daddy say, won't be larger. He only grown up. Okay. Yes, Saloni. Saloni Chauhan. सलोनी चौहान सुनाएंगी पहले। तो माइक कौन करके बोलिए आवाज नहीं आ रही है। सलोनी चौहान अब
अभी भी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करके बोलिए। बता अपना ये सुनो जायसवाल, अपना ये सुनो जायसवाल। I have a little brindle dog. He is brown from tail to head. His name I but I just. ऊपर क्या देखो, कोई दिखा रहा क्या आपको सामने? देखिए सलोनी जायसवाल सामने देखिए, कोई आपको दिखा रहा क्या वहाँ पे सामने से? आप सामने देखिए बोलिए। तो ऊपर क्या देख रही थी? लर्न नहीं है। दिव्यांशी आप सुनाइए। दिव्यांशी I have a little brindle dog. She said brown for tail to head. His name is Fedor, but I just call him cat. He only 8 months old. I guess he one. I guess. Dad, ओके स्टॉप बेटा, आपको भी सही से नहीं लड़ना है। दिव्यांशी आपको भी नहीं लड़ना है। सोनाक्षी आप सुनाइए। सोनाक्षी I have a little brindle dog, sell brown from tail. Seal brown from tail to head. His name I guess Theodore, but I just call him Ted. He's only about 8 months old. I guess just a pup. Daddy say he won't be larger and grow up. Okay, stop. Yes, Garima, आप सुनाए बेटा। गरिमा I have a little brindle dog, sell brown. Sell brown from tail to head. बेटा आपको भी नहीं लड़ना लगता है। बेटा आप सभी को लर्न करना, नेक्स्ट सेशन फिर सुनेंगे हम। ओके, नेक्स्ट सेशन में सुनने के बाद ही हम पढ़ाएंगे। आप लोग लर्न नहीं कर रहे हो कोई, हमने केवल एट ही लाइन कहा, फिर भी आप लोग नहीं सुना पा रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा, लर्न करके रखना पोएम। ओके यस मैम।